हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवन क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता एवन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, इसके पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ की तीन क्लास पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ की पूरी थ्योरी बता दी है, ठीक है। और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन एचसीएफ की भी करा दिए थे। आज की क्लास हमारी एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास होगी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा एलसीएम एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे एलसीएम और एचसीएफ एक ही क्वेश्चन में दोनों का यूज होगा। ओके, और इसके पहले वाली क्लासेस की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आज वाली क्लास में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करिए, स्किप मत किया करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीधे क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले तीन क्लास पढ़ चुकी हैं, उसमें सब कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा स्क्रीन पर ये रहा, मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 12 मीटर लंबे तथा 4.4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर लगाई जा सकती है। क्या है मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसी वर्गाकार भुजा की लंबाई बताना है जो 12 मीटर लंबे, उस कमरे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 4.4 मीटर है, ऐसा एक कमरा है, उस कमरे में टाइल्स लगानी है फर्श पर, ठीक है। तो उस बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बताना है जो इस कमरे में हम लोग लगा सके, और उस शर्त यह है कि हमें उस टाइल्स को तोड़ना नहीं है। ओके, तो अभी मैं इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, मासापा निकालेंगे, लेकिन मासापा ही क्यों निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कमरा है, ठीक है, इसमें कहा गया टाइल्स को बिना तोड़े हुए। बिना तोड़े हुए का मतलब है कि हमको ऐसी टाइल्स की लेंथ और लेंथ लेनी है, वर्गाकार है तो लेंथ ब्रेथ सेम हो जाएगी, कि वो फिट हो सके। फिट होने का मतलब ये है मेरा कि हम उन टाइल्स को फर्श पे ऐसे लगाते जाए, ऐसे लगा, मतलब इस तरीके से लगाएंगे कि टाइल्स तोड़ना पड़े और टाइल्स फिट बैठ, लंबाई में भी टाइल्स फिट बैठ जाए और इसी प्रकार से ऐसे ही हमारी चौड़ाई में भी टाइल्स हमारी फिट बैठ जाए बिना तोड़े हुए। इसका मतलब क्या करेंगे, हमको एक ऐसी संख्या चाहिए है जो लंबाई को भी डिवाइड कर दे, ठीक है, लंबाई को भी डिवाइड कर दे और चौड़ाई को भी पूर्णता डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या चाहिए। उस नंबर की मतलब कि विमाओं की जो हमारी वर्गाकार टाइल्स होगी वो हमारी लंबाई चौड़ाई दोनों को विभाजित कर सकती है, इसीलिए इस केस में हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे। ओके, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि हम लोग एचसीएफ क्यों निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालना तो मैंने आपको इसकी पिछली वाली क्लासेस में बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लासेस तो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और पिछली क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। आज मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बताऊंगा। ओके, तो मेरे को निकालना है क्या, 12 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं? यानी मेरे को निकालना है एचसीएफ ऑफ व्हाट, 12 मीटर लंबे, 12 मीटर और 4.4 मीटर, ठीक है, 4.4 मीटर। अभी सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखा करिए कि इन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स हैं वो सेम है कि नहीं है। यहां भी मीटर में दिया गया, यहां भी मीटर में दिया गया, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही यूनिट में है, एक ही यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता कि लेंथ आपको मीटर में दे देगा या सेंटीमीटर में दे देता है, और कभी ब्रेथ आपको मीटर सेंटीमीटर में दे देता है, ठीक है। तो आप उसकी यूनिट्स को पहले एक कर लिया करिए, या मीटर मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर लीजिए। ओके, तो फिर इसके बाद से आपका आंसर, मतलब आपके ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी यूनिट्स सेम हो, इसकी यूनिट सेम है, ठीक है, मीटर मीटर है। अब मैं आपको इसका क्या करता हूं, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव है, तो हमें
सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। जिससे सेंटीमीटर में चेंज करने से ये पॉइंट हमारा हट जाएगा और हम उसका फिर एससीएफ निकाल लेंगे। ओके, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो हमको निकालना होगा क्या, अब हमको निकाल 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 12 मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1200, ओके, सेंटीमीटर। और 4.4 मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 440 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया मेरा दोनों सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, 1200 और 440 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपके पास दो मेथड्स बताई थी, एक तो बताया था भाग विधि, जिसमें आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग देते हैं, तब तक देते जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, और जो लास्ट वाली संख्या जो रिमाइंडर जीरो बचाती है तो वो वाली संख्या हमारा एचसीएफ हो जाती है। और दूसरा बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आभाज गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग इसमें भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को आपको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इरेज करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि सिखाऊंगा कि 1200 और 440 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि 1200 और 440 का जो एचसीएफ होगा वही हमारी लेंथ हो जाएगी, किसकी, वर्गाकार टाइल्स की, तो वही हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए और अपने से एचसीएफ निकालना, अपने से आप इसका 1200 और 440 का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप लोग एचसीएफ निकालिए, मैं भी आपको दिखाता हूं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 1200 440। मैंने क्या बताया था, छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 440 से डिवाइड करेंगे 1200 को। आप लोग भी अपनी कॉपी में खुद से निकाला करिए, ठीक है, और आंसर मैच करा लीजिएगा। 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 880, ठीक है, 0 दशमलव से आठ गए, 2 9 और 3 12 320। ओके, फिर इसके बाद से हम डिवाइड करेंगे 440 में, तो हमारा जाएगा 1 times 320, यहाँ पे बचेगा मेरा कितना 120, फिर डिवाइड करेंगे 320 को, तो जाएगा मेरा 2 times, ये हो जाएगा 240, फिर यहाँ से आएगा 80 रिमाइंडर, जिसको डिवाइड करेंगे 120 को, तो 1 times यहाँ 80 आ जाएगा, फिर आएगा 40 रिमाइंडर, 40 से डिवाइड करेंगे 80 को, तो ये 2 times जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो लास्ट वाला नंबर जो इस संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर यहां 0 आ गया, तो जो 40 था ये हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 40। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि आप कि इस वाले क्वेश्चन में मुझको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आ गया 40, तो वर्गाकार टाइल्स की जो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी, तो लेंथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40, और 40 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इसको पहले सेंटीमीटर में बदल दिया था, तो जो मेरा आंसर आएगा वो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, यही लंबाई यही चौड़ाई, क्योंकि बर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, तो ये मेरा 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया ना आपको, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरीके के ऐसे ही क्वेश्चन, इसी लैंग्वेज क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपको ये चेक करना होता है, पता करना होता है कि इस क्वेश्चन को एलसीएफ निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो मैंने आपको समझाया कि इसमें एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये लिया है, ये बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आपको इसी तरीके की इबारत यानी इसी तरह की लैंग्वेज में एज इट इज एग्जाम्स में पूछा जाता है,
आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिला होगा या फिर आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, इसमें क्या है, चार घंटियां क्रमशः 24, 36, 48 और 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। 24, 36, 48 और 64 सेकंड में 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, थीके? और 7 घंटे 12 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम लासापा निकालना होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का एलसीएम निकालना है, क्यों एलसीएम क्यों निकालेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि चार घंटियां हैं, जो पहली घंटी 24 सेकंड के अंतराल बजती है, दूसरी 36 सेकंड के अंतराल बजती है, तीसरी 48 सेकंड के अंतराल बजती है और चौथी 64 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब सभी एक साथ कब बजेंगी, एक साथ तो तब बजेंगी ना कि जब ऐसी नंबर मिल जाए जिसको 24, 36, 48 और 64 पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उस अंतराल पे वो एक बार बजेंगी एक साथ, ठीक है। मैंने क्या बताया, ऐसी कोई संख्या मिले जिसको 24, 36, 48 और 64 पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उतने अंतराल पे, उतने सेकंड के अंतराल पे वो सारी घंटियां एक बार एक साथ बजेंगी। ओके, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या निकालते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था एलसीएम निकालते हैं। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो संख्या दी हुई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ व्हाट, 24, 36, 48, ठीक है, और 64 एंड 64। आपको इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बता दिया है एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को लिखिए और उसमें सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसमें देखिए क्या कॉमन नहीं है, ठीक है, और उसको फिर पुट करते जाइए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। या फिर आप लोग एलसीएम उसको उस तरीके से क्या बोलते हैं, भाग विधि से सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे भी करिए, आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। आप लोग जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एलसीएम सॉल्व करना मैंने इसकी पिछली वाली क्लासेस में बताया है, तो आप लोगों को होप्स हो एलसीएम आ गया होगा। और जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वो जाकर के पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सारी वीडियोस को देखा करिए, तभी जाकर के आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। आज हमारा एलसीएम का लास्ट क्लास है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है लेकिन आज। तो आप लोग इसका एलसीएम निकालिए। तो जब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा 576, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 576। मैं आपको इसका एलसीएम निकालना नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अभी 576 आया, अभी 576 क्या है, 576 ऐसी संख्या है जिसको 24 भी पूर्णतः डिवाइड कर रही, 36 भी पूर्णतः डिवाइड कर रही, 48 भी पूर्णतः डिवाइड कर रही और 64 भी पूर्णतः डिवाइड कर रही। तो इसका मतलब है कि 576 सेकंड्स के बाद ये सभी घंटियां एक बार एक साथ बजेंगी, 576 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक बार एक साथ बजेंगी। ओके, गॉट इट। अब मेरे को क्या बताना है, 7 घंटे 12 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। अब 7 घंटे 12 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, पहले आपको ये निकालना है। तो आप लोग 7 घंटे 12 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये निकालिए, 7 आवर और 12 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ठीक है। तो 7 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 7 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 × 7 + 12 दैट इज 420 + 12 432 मिनट्स हो जाएंगे। ओके, अब हमको सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 432 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 ये आ जाएगा हमारा सेकंड। तो 420 × 60 ये हो जाएंगे हमारे टोटल सेकंड्स। अब हमको बताना है कि इतने सेकंड्स में एक घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। ओके, मैंने क्या बताया, 576 सेकंड यानी 576 सेकंड्स में एक घंटियां एक बार एक साथ बजेंगी। तो आपको बताना है कि 432 × 60 सेकंड में एक घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना होगा, इस 576 को 576 से इस संख्या को 432 × 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि एक घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूं इसके आगे, 432 × 60
तो 432 इंटू 60, ठीक है, इतना हमें क्या दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है, ये हमारा टोटल टाइम है, ठीक है। और 576 सेकंड्स में क्या हो रही थी, 576 सेकंड्स में घंटियां एक बार बज रही थी, ठीक है। तो हमें निकालना है कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो क्या करेंगे, इस 432 इंटू 60 सेकंड्स को इस 576 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार घंटियां एक साथ बजेंगी। ओके, तो आप लोग यहां से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आपका यह आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर आ जाएगा, ठीक है, संख्या आ जाएगी कितनी बार सब बजेंगी। अब आपको इसको डिवाइड करना है। ओके, तो आप लोग इसको डिवाइड करना कैसे करेंगे, इसको आप लोग कट करिए, ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए इसे सॉल्व कर देता हूं, इसको 6 से काटिए, 6 10 या 60, 6 9 या 54, 3 6 6 या 36, 96 हो गया, फिर हाँ 6 से फिर कटेगा, यहाँ आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 6 7 या 42 और 6 2 या 12, 16 आएगा, फिर यहां से आप क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको 4 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो आएगा मेरा 18 और ये आएगा 4 और ये हो जाएगा मेरा 180 और ये हो जाएगा 4, यानी यहाँ आएगा 45, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 432 into 60 divided by 576, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 45, यानी 45 टाइम्स ये घंटियां एक साथ बजेंगी, लेकिन आंसर 45 नहीं है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस में 45 भी मिलेगा, 46 भी मिलेगा, 44 भी मिलेगा, 48 भी मिलेगा। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, सही आपका सही आंसर होगा 46, 46 बार एक साथ बजेंगे। अब आप कहेंगे 46 क्यों, एक बार क्यों ऐड किया जा रहा है, एक बार इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि जब घंटियां शुरू हुई होंगी तो एक बार तो सभी एक साथ पहले ही बज चुकी होंगी, ठीक है, इसके बाद 45 बार वो इस गिवन टाइम में एक साथ बज जाएंगी, तो टोटल बार कितनी, 45 प्लस 1 46 बार, तो हमारा आंसर होगा 46। समझ आ गया एक क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि एक बार घंटियां पहले ही एक साथ बज चुकी हैं और 45 बार वो इस गिवन टाइम में बज जाएंगी, तो टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा 46, तो आपका सही आंसर होगा 46, 45 नहीं, ठीक है, 45 पे टिक मत करना अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा 46, गॉट इट। चलिए मैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और इसके साथ ही हम लोग आपका अपना एलसीएम एसएफ का चैप्टर खत्म करेंगे, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 144 है, आपको लासापा 144 दिया गया है और उन्हीं संख्याओं का मासापा 12 दिया गया है, 12 और तथा संख्याएं 6:8 में है, 6:8 रेशियो दिया गया है संख्याओं का, तो हमको ज्ञात संख्याएं बताना है, ठीक है, संख्याएं बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था एलसीएम इंटू एचसीएल, लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू क्या, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बताया था आपको, या लिख सकते हैं हम क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ओके, लासापा गुणा मासापा इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासापा इंटू मासापा। ओके, अब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या दिया गया है, 144, एलसीएम 144 है, एचसीएल कितना दिया गया है, 12 और संख्याओं का गुणनफल, अब क्योंकि संख्याएं तो दी नहीं गई है, संख्याओं का क्या दिया गया है, सिर्फ रेशियो दिया गया है 6:8 में, ठीक है, तो मान लीजिए माना संख्याएं क्या होंगी, 6:8 में, तो मान लीजिए पहली संख्या 6x होगी और दूसरी संख्या 8x होगी, माना संख्याएं 6x है, 6x और 8x हैं, ठीक है, क्योंकि 6:8 में हमको नहीं पता कि संख्याएं क्या है, मान लिया हमने 6x पहली संख्या है और 8x दूसरी संख्या है, हमको संख्याएं याद करनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी,
6x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8x। ठीक है, तो हमें रेशियो दिया गया है, इसे हम इसको x मान लिया। अब इसको x की वैल्यू फाइंड करें और फिर 6 और 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 144 × 12 और ये आ जाएगा मेरा 86 × 48 और ये हाँ ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मेरा ये एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, 8×6 = 48। अब 12 × 4 = 48 and 4 = 36। ओके, 36 × 144। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36, देन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, हमने क्या हमने एक्स माना था, हमने संख्याएं क्या मानी थी, हमने संख्याएं मानी थी 6x and 8x। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, x 6 आया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी 6x की जगह पर 6 करेंगे तो 36 हो जाएगी हमारी एक संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, सॉरी 8x थी। ठीक है, तो 8x क्या हो जाएगा, 8 × 6 दैट इज 48। ओके, तो दोनों संख्याएं हम हो जाएंगी हमारी 36 और 48, जिनका लासा पाच 144 होगा और एचसीएफ हमारा 12 होगा। अब चेक कर ले, अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, 12 एचसीएफ होगा। 12 एचसीएफ क्यों होगा, क्योंकि 12 दोनों को डिवाइड कर देगा, 12 36 12 44, 12 से कोई बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों को पूर्णता डिवाइड करता हो, तो एचसीएफ 12 हो जाएगा। एलसीएम आप लोग निकाल के चेक कर लेना, 36 और 48 का एलसीएम हमको 144 ही मिलेगा। ओके, तो आपको एक सवाल समझ आ गया होगा, अच्छी ट्रिक है, आप लोग इसको इस्तेमाल करिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, लासापा गुणा मासापा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लासापा गुणा मासापा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करिए। क्योंकि 6 पार्ट 8 दिया गया था, इसलिए मैंने मान लिया संख्या, पहली संख्या 6x होगी, दूसरी संख्या 8x होगी और फिर x की वैल्यू निकाली तो हमको संख्या मिल जाएगी 36 और 48। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको लेता हूं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24300 है, 24300 है, क्या संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ लासापा और मासापा का गुणनफल 24300 है तथा संख्याएं 3:4 में है, जो संख्याएं किस रेशियो में, 3:4 में संख्याएं हैं, तो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग बताइए। अब आपको ना यहाँ संख्याएं निकालनी है, ना आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आपको निकालना क्या है, संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, किसका योग, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का, चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू बताया था मैंने एच एक्स वाई। ठीक है, पिछली वाली क्लासेस में मैं सारे फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के पिछली क्लास देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एलसीएम इक्वल टू एच एक्स वाई। ओके, और यहाँ पे अब मैंने माना एचसीएफ, ठीक है, माना एचसीएफ क्या है, एच है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरा एचसीएफ क्या है, एच है, क्योंकि नहीं दिया गया, तो अगर माना एचसीएफ एच है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा, तो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैंने एचसीएफ मेरा एच है और एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और वाई क्या दिया गया है, संख्या 3:4 में है और 3 और 4 दोनों क्या है, को प्राइम है, इसलिए मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एच इंटू 3 × 4। ठीक है, एच इंटू 3 × 4 ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था क्या, कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर, ये भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मेरा एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई दैट इज 3 × 4 × h दैट इज 12x। ओके, और मासापा एचसीएफ मैंने माना था दैट इज h, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो 12x × h, और मासापा दोनों का कितना दिया गया है 24300,
ठीक है, तो इसको मैं 24,300 के बराबर कर दूंगा, तो इससे मेरी एच की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और ए लासापा है, ए मासापा है, और लासापा गुणा मासापा हमारी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का गुणनफल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही दे दिया है, तो हम उसको इसके बराबर रख देंगे। ए लासापा है और ए मासापा है, ठीक है। अगर मासापा एच है, हमने माना था, ठीक है, अगर मासापा एच है तो एलसीएम हमारा 3×4×H हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहली वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 12×24 0 12×24 6 2025। ठीक है, H स्क्वायर इक्वल टू 2025 आएगा, तो H बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या 45। ओके, H बराबर 45, ये 45 का स्क्वायर होता है 2025। ठीक है, आपको स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं, 5×25 और 4×5=20। मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 2025 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 45 आ जाएगा, तो आपको आपको क्या मिल गया, एच मिल गया 45। अब आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या था, संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग बताइए। ठीक है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम है मेरा 12H, और एचसीएफ क्या है मेरा H, दोनों को सम कर दो तो क्या मिल जाएगा मेरे को 13H। ठीक है, दोनों को अगर हम सम कर दें तो 13H मिल जाएगा, और हमारी H की वैल्यू कितनी आई 45, तो 13×H क्या चाहिए था आपको, LCM एंड HCF का योग, LCM और HCF का योग क्या आ जाएगा 13×H, दैट इज 13×45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×65 6 13×65=6 13×54=6 58। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 585, और आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन 585 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालते हैं एच एक्स वाई, अगर एचसीएफ एच है तो एच एक्स वाई हो जाएगा, तो एच 4×3=12 12H एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ एच है तो हमने H की यहां से वैल्यू निकाल ली थी, H की वैल्यू 45 आई, LCM HCF का सम कितना हो जाएगा 13H, तो 13H, तो LCM और HCF का सम पूछा गया है, तो 13×45=585, यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है बिना सब कुछ किए हुए, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको 10 सेकंड में भी बना सकते थे, ये तो लॉन्ग मेथड है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था फॉर्मूला करके। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, संख्या 3×3 = 4 में है तो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एलसीएम इक्वल टू होता है एच एक्स वाई इफ एचसीएफ इज एच। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम एच एक्स वाई होता है, एक्स एंड वाई आर कोप्राइम्स। ओके, तो अब यहां से एलसीएम मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा एच, और x और y की जगह पर क्या दिया गया है 3×4, तो ये हो जाएगा 3×4। ओके, तो 4×3=12H, तो LCM आ जाएगा मेरा 12H। ठीक है, LCM 12H है और HCF कितना है H है, दोनों का सम कर देंगे हम, सम करेंगे हमको तो मिल जाएगा 12H+H, दैट इज 13H। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन वही होगा जो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, योग कितना आ रहा, एलसीएम 12H है, एचसीएफ एच है, दोनों का योग हो गया 13H, तो वही संख्या हमारा ऑप्शन होगी जिसमें 13 का मल्टीपल हो, तो ऐसा तो चेक करो कि कौन सी संख्या इनमें 13 से डिविजिबल है, तो अब 13 से डिविजिबल चेक करो, इसको आप चेक करेंगे 13×52=7 75 13 से डिविजिबल नहीं है, 13×52=6 13×65 13 से डिविजिबल है, 13×52=5 55 13 से डिविजिबल नहीं है, 13×52=20 13 से डिविजिबल नहीं है, अकेली एक ही संख्या है जो हमारी 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो आप लोग यहां से 12H+13H 13 का मल्टीपल चेक करो, जो ऑप्शन मिल गया, इस केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा 13 का मल्टीपल है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर 13 का मल्टीपल होता तब हमको वही लॉन्ग मेथड ही अपनाना पड़ता, फिर हमको एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती और उसके बाद हमको सम निकालना पड़ता,
तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिना लॉन्ग मेथड से सीधे, ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एलसीएम एचसीएफ हमारा खत्म हो जाता है। जिन्होंने भी एलसीएम एचसीएफ को नहीं देखा है तो वो जाकर के पिछले वीडियो पूरे देख लें। मुझे आशा है आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी, और जो भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, या मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से डायरेक्ट आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप, मैंने अभी आपको कम क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप लोग मुझको वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं एक आध वीडियो बना करके सारे क्वेश्चंस ले लूंगा और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।